पर भारत पे आपने क्या किया? पैकेज दिया और वो कृषि जो आत्मनिर्भर बना रही थी उसको तीन काले कानून लाकर उसकी रीढ़ की हड्डी पे मारा आपने। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, किसान की लागत पर, इनपुट कॉस्ट पर खर्चा निकालकर हिसाब कर 50% पर मुनाफा देंगे। और फिर क्या, तीतर के आगे दो तीतर के पीछे दो तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, ये पहेली पूजाते रहो। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, पूजो तो जानो। गारंटी प्राइस लिख दिया, एमएसपी आपने लिखी नहीं। फसल बीमा योजना की आप बात करते हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को आपने किया। पीएम किसान की आप बात करते हैं, किसान के बाद बात कर रहे थे, वैभूति, किसान की वैभूति का काम अगर किसी ने किया है, उसी पीएम किसान के अंदर आपने 10,000 करोड़ काट दिए। किसान की लाचारी, 35 किसान रोजाना मरते हैं, आप कुछ नहीं कहते। केस कृषि पे देख रही थी तो मैंने पढ़ा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर केसर कहीं होती है तो सब जम्मू कश्मीर में होती है। जम्मू कश्मीर में एक केसरिया साफों की मीटिंग हुई थी, कैसे हुई थी वो प्रधानमंत्री के संसद में अक्षु जल के संकल्पों का राज है, ये तो बाद में खुलेगा कि कैसे हुई थी। किसान से वार्ता के बाद में 11 बार वार्ता करी और ये कहा कि हम वार्ता के लिए खुले हैं, लेकिन वाराणसी के अंदर पीएम जाके कहते हैं कि तीनों कालो कानून वापस नहीं ले जाएंगे। तो फिर वार्ता क्यों कर रहे थे, ढकोसला क्यों कर रहे थे आप? फिर कहा, अब कह रहे हैं हम एक फोन दूर हैं, तो क्या हुआ आपका फोन लग नहीं रहा? लगेगा भी कैसे, MTNL और BSNL को आपने पीट दिया, 4G और रिलायंस के फोन्स पे लगेगा। ऐसे पूंजीपति मित्रों के मुनाफे से डायल किया हुआ फोन किसान कभी नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था की गोद में है मोदी सरकार। डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन इज द न्यू एजेंडा। 2000 यूनियन बजट 21-22 प्राइवेटाइजेशन इज द मेन थीम। आपने क्या किया, पीयूष गोयल जी का लेटेस्ट बयान है परसों का, उनको कहना पड़ा कि रेलवे प्राइवेटाइज नहीं हो रहा है और गुस्सा आया तो क्या बोला, लेकिन सरकार रोड भी तो सरकार बनाती है, उस पर क्यों फिर आप नहीं पूछते कि सिर्फ सरकारी वाहन क्यों नहीं चलते? देखिए आपकी झुंझुलाहट। वैक्सीन डिप्लोमेसी, रघु शर्मा जी मंत्री जो बता रहे थे कि किस तरीके का क्रंच वैक्सीन में हो रहा है, आप सच्चाई को सुनना नहीं चाहते थे, आप बाहर चले गए। और आज सेकंड लहर ऑफ कोरोना आ रही है, क्या किस तरीके से आप करेंगे? आप तो सिर्फ वाई वाई झूठी वाई वाई के अंदर लुटे लगे हुए हैं। इंस्टीट्यूशंस को आपने वीक करने का काम किया, अंगुलियों पे नचाते हैं आप आईडी ईडी सीबीआई को। आपने पुलिस का क्या किया, उत्पीड़न का औजार बनाया, 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट उस दिशा रवि को आपने अरेस्ट करवाया, ये आप एनपीएस कर रहे हैं, लेकिन किसान के लिए कर्ज माफी पे स्पष्ट मना कर देते हैं कि कोई कर्ज माफी नहीं होगी। बस दो मिनट, दाल और प्याज के अंदर क्या हुआ, आप जमाबंदी का लेके आए, प्याज के ऊपर आपको क्या करना पड़ा, प्रधानमंत्री आवास आप दे नहीं पा रहे। दूसरी बात, नमामि गंगे, आपका जब टाइम आए तो आप करें बात, नमामि गंगे सर, नमामि गंगे के गंगा मैया ने चीख चीख कर कहा है कोई मेरा बेटा आएगा, गंगा को साफ करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, आप जिस स्पीड से चल रहे हैं 100 या 150 साल तक आप गंगा को साफ नहीं कर पाएंगे। आप डिजिटल इंडिया आपका फेल हो गया, और पता करिए उन एमपीओ ने जिन्होंने ग्राम लिया वो इंटरनेट भी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। आधार कार्ड के लिए सर ऐसे नहीं चलेगा, आधार कार्ड अच्छे बोलने का अपने को अच्छा बुराई का थोड़ी फैसला करना है, समय की पाबंदी है। दो मिनट, आधार कार्ड जिसके लिए से नहीं चलेगा, आधार कार्ड जिसके लिए आपके एक वक्त कम कर दीजिए, मैं तो उसको पूरा टाइम दे देता हूं। आधार कार्ड जिसके लिए कहा कि कांग्रेस ऐसे लेकर आई है जैसे कोई जड़ी बूटी है, इसका हम विरोध करते हैं, जिसे पहले बताते थे निराधार, अब उसी को बताते हैं जीवन का आधार, और उसके अंदर हो रहा है निजता का हनन। पहले क्या,